जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द उत्तम में। आज हम अपने बेली फैट को कम करने के लिए, ओवरऑल बॉडी फैट को कम करने के लिए एक्सरसाइजेस करेंगे। अच्छे एक्सरसाइजेस हैं, हम इसको डेली बेसिस पे करेंगे और हम देखेंगे अपने शरीर में कुछ अच्छे रिजल्ट्स। तो चलिए करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट। वार्म अप करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने जंपिंग जैक को, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करते रहेंगे। अभी हम करते हैं जंपिंग जैक, उसके बाद हम धीरे धीरे करेंगे सारे एक्सरसाइज को। जंपिंग जैक हमारे फुल बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसको हमें 3 सेट करने हैं 45-45 सेकंड के। हर एक सेट के बीच में 30 सेकंड का गैप लेना है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, वो भी हम करते हैं। यह एक्सरसाइज हमारे कोर मसल्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसको हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए और इसको करने से हमारे एब्स बहुत मजबूत होंगे। जब हम साइड वाइज करते हैं तो हमारे साइड के लव हैंडल्स रोटेट होते हैं और जिसकी वजह से ये टाइट होंगे और ये लव हैंडल्स कम हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, उसको करेंगे। वो भी हमारे पेट के लिए बहुत ही यूज़फुल एक्सरसाइज है। यह है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इससे हमारी हाइट भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो हम अपने पहले एक्सरसाइज करते हैं, फिर इसके बारे में बताएंगे। इस एक्सरसाइज को भी 20-20 इस साइड 3 सेट करेंगे। इस एक्सरसाइज से हमारी ये मसल्स जो होती हैं लव हैंडल्स, वो खींचते हैं, जिसकी वजह से ये शेप में आएगा। ये बहुत जल्दी अंदर की तरफ होगा और इससे हमारी स्ट्रेचिंग, हमारी बॉडी स्ट्रेचिंग की एबिलिटी भी बढ़ेगी। इस एक्सरसाइज को करने के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, वो भी हमारे बेली फैट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो उसको करके देखते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें अपने शरीर को अपने हिप पे कंट्रोल करके होल्ड करके रखना है। इसको हमें 30 सेकंड तक, 20 सेकंड तक, जितनी आपकी एबिलिटी है उसको होल्ड करके रखिए। हाँ, थोड़ी सी कोशिश करिए कि अपने स्टेमिना को थोड़ा सा बढ़ा के, जब तक आप पूरी तरीके से हार ना जाए तब तक इसको आप होल्ड करके रखें। इसको 30 सेकंड 20 सेकंड जितना होल्ड कर सकते हैं रखें। 30 सेकंड का गैप लें, इसके 3 सेट करें। इससे देखेंगे हमारे पूरे एब्स पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और ये जल्दी से शेप में आएंगे। आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे बैली पे कितना जोर पड़ता है इससे, कितने ऐसा लगता है कि जैसे ये जल रहा हो, बहुत ज़्यादा पेन होता है। यह एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है, इसको हम डेली बेसिस पे करें, आपको रोज़ करना चाहिए। इसके आप कर बहुत ही अमेजिंग फ़ायदे होते हैं।
हमारा पेट बहुत ही जल्दी स्लिम फ्रेम हो जाएगा और हमारी बॉडी बहुत जल्दी शेप में आ जाएगी। इस एक्सरसाइज के बाद हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो उसको हम करते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ी बातें बताएंगे। इससे यह एक्सरसाइज हमारे बैली फैट पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालेगी। आप इसको जब करेंगे तो आपको पता चलेगा, देखने में जितना आसान है उतना होता नहीं है ये। जब हम अपने कोहनी और घुटनों को एंटी क्लॉकवाइज टच करते हैं तो हमारे ये पूरे पेट पे बहुत ही अच्छा खिंचाव होता है। इसको हमें इसको 12 से 15 टाइम ईच साइड से 3 सेट करने हैं। इसको करने से हमारे पेट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा हमारे पेट पे। ये बहुत ही जल्दी हमारे पेट की चर्बी को काटेगा और हमारी बॉडी में एक नया स्ट्रेंथ, कोर मसल्स पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, तो उसको करते हैं, फिर उसके बारे में कुछ जानेंगे। हम प्लैंक को, हम इस एक्सरसाइज जो प्लैंक है इसको हमें 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट जितनी देर होल्ड कर सकते हैं इसको करना है। इसको हमें 3 सेट इसके भी करने हैं। इस जब हम इसको करेंगे तो हमें नॉर्मली सांस लेना है, ना कि हमें अपनी बॉडी पे कोई भी स्ट्रेस नहीं, कोई भी प्रेशर नहीं लगाना है, हमें नॉर्मली सांस लेनी है। तो देखेंगे इससे हमारे कोर मसल्स बहुत ही तेज़ी से बनेंगे, हमारे बेली फैट बहुत ही तेज़ी से रिड्यूस होगा। इन सभी एक्सरसाइजों को हमें डेली बेसिस पे करना है। इस सभी एक्सरसाइजों को करने से हमें अपनी बॉडी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे, हमें अच्छी एनर्जी फील होगी, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्डअप होगा कि जब हमारा शरीर अच्छा दिखेगा तो हम सामने वाले से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अच्छे से बातें कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर ही सही नहीं दिखेगा तो हम लोगों से हेजिटेट होते हैं बात करने में, बॉडी शेमिंग का हमें वो रहता है कि हमारी बॉडी शेमिंग करेगा, तो हमारा शरीर अच्छा दिखेगा, हम लोगों के सामने कॉन्फिडेंट फील करेंगे और हम अपनी बातों को अच्छे से सामने वाले के सामने रख सकेंगे। हमें इसके एक्सरसाइज के साथ अच्छा खाना है, फालतू की चीज़ों को नहीं खानी। हमें हफ्ते में एक दिन अगर हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हफ्ते में एक दिन कोई ऐसा बना लें कि जिस दिन थोड़ा बहुत खा लें। उस दिन भी ऐसा नहीं कि पूरा फुल कर लें, बट हाँ थोड़ा बहुत खा लें देंगे। तो अपने ऊपर कंट्रोल रखें और अपनी एक्सरसाइज डेली बेसिस पे ऐसे ही करते रहें, अपने शरीर को फिट करें, अपने आप को खुश रखें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें और डेली बेसिस पे अपने काम को निरंतर करते रहें। चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं, बंद करते हैं। हमारी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज नए तरीकों के साथ। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना सपोर्ट, अपना प्यार मेरे पे ऐसे ही बनाए रखें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिल सके। जय श्री राम।